हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से निकले पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूँ जो कि लिंकर कर आया है अन अकेडमी से। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अन अकेडमी एक बहुत ही शानदार सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 21 मई को शाम के 7 बजे से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। अब लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराया जाएगा 21 मई को शाम के 7 बजे से। आप भी इस सेशन को बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जाने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाना होगा, जहां पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे अन अकेडमी के ऊपर। आप जैसे ही अन अकेडमी पे जाएंगे, आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहां पे आप रेफरल कोड के तौर पे DKGuru10 यूज कर दें। जैसे ही आप DKGuru10 यूज करेंगे, आप खुद को इनरोल कर पाएंगे अन अकेडमी पोर्टल पे, और 21 मई को होने वाला स्पेशल सेशन को देख पाएंगे, जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, और वो भी लास्ट 5 सालों का। तो फटाफट जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी। तो दोस्तों, ये वो अपडेट था। अब हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन का जो निकल कर आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से, जो कि है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए। आपको बता दें, ये नोटिफिकेशन 12 मई 2022 को रिलीज किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट से निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। आपको बता दें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो कि नेट JRF क्वालिफाई हों, यानी कि वैसे स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं जो कि ओनली PG पास हों। यहाँ पे जो स्टूडेंट नेट JRF क्वालिफाई हैं, उसे डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के साथ साथ उसका एकेडमिक मार्क्स को देखकर उसे एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और बता दें, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC में आते हैं तो ₹500 फी पेमेंट करना होगा, वहीं फीमेल कैटेगरी को ₹250 पे करना होगा, वहीं SC ST के लिए ₹100 रखा गया है। अगर बात करें कब से कब तक आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए यहां पे 20 मई से लेकर के 20 जून का डेट निर्धारित किया गया है, यानी कि 20 मई से 20 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 जून को ही यहां पे एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट बेसिकली रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे ऑनलाइन बेसिकली इंटरव्यू होने वाला है, जो कि होने वाला है 27 जून से लेकर 29 जून के बीच। वहीं दोस्तों, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा 30 जून को, और क्लासेस जो हैं वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से यहां पे वैकेंसी निकल कर सामने आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी है, ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से यहां पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहां पे देख सकते हैं, हिंदी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशल वर्क, और इसके साथ साथ जैसे आप नीचे आते हैं तो यहां पे देखने को मिलता है फिजिक्स, यहां पे देखने को मिलता है केमिस्ट्री, यहां पे मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी के साथ साथ यहां पे कुछ और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, लगभग सभी सब्जेक्ट का आपको लिस्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको बता दें कि क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहां पे 70% वेटेज आपका एकेडमिक को दिया गया है, और 30% आपका यहां पे पर्सनल टेस्ट या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू होने वाला है। यहां पे आपको बता दें, 70% जो वेटेज दिया गया है, उसमें से अगर यदि आप JRF क्वालिफाई हैं तो आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, वहीं अगर जबकि ओनली नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर जबकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से अधिक मार्क्स लाए हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे वेटेज में, वहीं 60% से अधिक मार्क्स है बट 80% से कम है तो 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर जबकि आपका मार्क्स 55% से लेकर 60% के बीच है तो आपको 6 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट भी आपका होगा, जिसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें से आपको बता दें 10 मार्क्स का आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। साथ ही
साथ 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का ये टोटल आपका टेस्ट होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं आपका एकेडमिक प्लस इंटरव्यू होने वाला है, जिसके आधार पे एक मेरिट बनाया जाएगा और उसी मेरिट में से टॉप के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिसका मिनिमम स्कोर 50% नहीं होता है, यानी कि ये 100 मार्क्स में से जिसका 50 मार्क्स नहीं होता है उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा कि मिनिमम 50 आपका हो जाना चाहिए। जैसे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है cuk.ac.in। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन, इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप भी नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी PG पास स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, और अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो आपके लिए और अच्छा अवसर है एडमिशन पाने का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।